प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा, रोग एवं विज्ञान, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और पिछले 20 सालों से मैं अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज जो मेरा विषय होगा वो होगा पांडुरोग का निदान एवं संप्राप्ति पर विवेचन। तो हम जो आज देख रहे हैं पांडुरोग निदान संप्राप्ति पर विवेचन, पांडुरोग एक ऐसा रोग है जिसके बारे में बहुत समय से लोगों में अवेयरनेस की कमी है और विशेषकर हमारे भारत देश में तो इसकी बहुत ही अवेयरनेस की कमी होने के कारण से यह एक बड़ी समस्या बन गया है। आयुर्वेद में इसे पांडुरोग का है और हम आधुनिक में इसे एनीमिया से इसकी तुलना करते हैं। पांडुरोग का तात्पर्य क्या है? तो पांडुरोग हम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आयुर्वेद में व्याधियों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें त्वचा में जो वर्ण उत्पत्ति होती है, वैकारिक वर्ण उत्पत्ति, उसके आधार पर भी व्याधियों का नामकरण किया है। इसी आधार पर जो पांडु का नामकरण किया वो देखिए पांडु पेनो लक्षितो रोग है, पांडु रोग है। अर्थात इस व्याधि में व्यक्ति का जो वर्ण है वो विशेष श्वेत कि श्वेत हो जाता है या श्वेत आप दिखता है, पेल कलर जिसे कहते हैं, या आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो आयुर्वेद में इसके बारे में बताया, एक विशेष निरुक्ति दी है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि केतकी धूल सन्निभ है, यानी जो केतकी के फूलों के ऊपर जो परागकण है, ऐसा वर्ण जब व्यक्ति में आ जाए वैकारिक रूप से या व्याधि के कारण से तो वो रोग पांडुरोग कहलाता है। तो पांडुरोग का यद्यपि आयुर्वेद के सभी शास्त्रों में वर्णन मिलता है, चरक संहिता में मिलता है, सुश्रुत संहिता में मिलता है और माधव निदानकार हरि संहिता में भी वर्णन किया गया है, तो पांडु रोग के बारे में विस्तृत वर्णन आयुर्वेद संहिताओं में देखने को मिलता है। तो पांडुरोग एक बड़ी समस्या है भारत जैसे देश के लिए, जैसे हम पहले विचार कर चुके हैं, यहाँ बहुत से लोग या बहुत से ग्रामीण तबके में लोगों को ये बहुत अधिक व्याधि फैली हुई है। अतः एक हमारा कर्तव्य है कि हम आयुर्वेदीय आधार पर इस व्याधि का निदान करके और एक जनमानस को हम एक सेवा पहुँचाएँ, पर इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम पहले व्याधि के निदान, पूर्व रूप, रूप लक्षण आदि को और संप्राप्ति प्रक्रियाओं को जानें, जिससे कि हम एक करेक्ट डायग्नोसिस कर सके कि वास्तव में व्यक्ति पांडुरोग से पीड़ित है या फिर अन्य कोई व्याधि से पीड़ित है। क्योंकि पांडु एक इतना बड़ा टर्म है, इतनी बड़ी व्याधि है कि इसके अनेक व्याधियों में भी इसके लक्षण देखने में आते हैं उपद्रव स्वरूप में। तो हमें ये देखना है कि स्वतंत्र पांडु है या फिर परतंत्र पांडु है, क्योंकि स्वतंत्र पांडु की चिकित्सा अलग क्रम से होगी, यदि उपद्रव स्वरूप में पांडु है तो मूल व्याधि की चिकित्सा होगी। अतः हमें पांडुरोग के निदान करने के लिए हमें हमारा शास्त्रीय आधार पर होना चाहिए, हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय आधार जब हमारा स्ट्रांग होगा तो फिर हम व्याधि का निदान प्रॉपर कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखें तो पांडुरोग का निदान जो आचार्य ने बताया है, उन्होंने निदान के संदर्भ में पांडुरोग निदान, पांडुरोग जैसे हमने पूर्व में कहा स्वतंत्र पांडु है या फिर परतंत्र पांडु है, पांडुरोग में उन्होंने कहा है कुछ हेतु बताए, वो आहार हेतु है, फिर विहार हेतु है और कुछ मानसिक हेतु है। आहार हेतुओं में देखें हम तो अम्ल, लवण, मध्य, ये सब आहार हेतु हैं। अत्यधिक क्षार पदार्थों का सेवन, अत्यधिक अम्लीय पदार्थों का सेवन, अत्यधिक नमक, लवण आदि पदार्थों का सेवन, ये सब पदार्थ
पित्त को प्रकोपित करने वाले हैं। और पांडु एक पित्त की व्याधि है, यद्यपि इसमें सभी दोषों का प्रकोप होता है लेकिन पित्त का प्राधान्य होता है। तो आहार निदानों के बाद में फिर हम बात करें विहारज। विहारज हेतुओं में अधिक अधिक मैथुन करना, दिन में सोना आदि मुख्य कारण हैं विहारज हेतुओं के। और ऋतु विपरीत प्रक्रियाएं करना, जो कि ऋतु में जिस ऋतु में जैसा विहित है, जिस तरह की दिनचर्या चाहिए, जिस तरह की रात्रिचर्या होनी चाहिए, वो सब नहीं होना, वो भी एक इसका बड़ा हेतु है। फिर हम देखें मानसिक हेतु। मानसिक हेतुओं में भी इसमें बताया कि काम, क्रोध, चिंता, शोक और भय, इन कारणों का ज़्यादा मात्रा में यदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाए, अधिक काम वासना, अधिक तरह की चिंताएँ, अधिक शोक, जो कि आज बड़ा मुख्य हेतु है, तो वर्तमान में हम देखें तो चिंता और शोक और भय, यानी चिंता एंजाइटी, ग्रिफ शोक और भय फोबिया, इसी का वातावरण में आज बना हुआ है। आज की शताब्दी को यदि चिंता और शोक और भय की शताब्दी कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। इसी कारण से आज वर्तमान में पांडु रोग की जो तीव्रता बढ़ी है वो पूर्व काल की अपेक्षा अधिक बढ़ी है, क्योंकि मानसिक हेतुओं में चिंता, शोक, भय आदि निश्चित रूपेण बहुत तादाद में बढ़े हैं, उसी तादाद में पांडु रोग की वृद्धि भी वर्तमान में हुई है। तो हम अब देखें कि भाई ये पांडु रोग के बारे में हमने जो विचार किया था पहले, कि पांडु रोग के जो हेतु हैं उन हेतुओं से क्या होता है अल्टीमेटली, तो वो हेतु ही व्याधि के जनक हैं। वो हेतु का क्रमशः जो षटक्रिया काल की बात करें हम, तो निदान, पूर्व रूप, प्रकोप, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संचय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था, ये षटक्रिया काल है। और हमारे निदान पंचक, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ये किसी भी व्याधि को समझने के लिए हमें इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, कि हमें निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, निदान पंचक का उस व्याधि के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान होना अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ हमें षटक्रिया काल का ज्ञान भी अति आवश्यक है। इससे षटक्रिया काल को जानने वाला ही श्रेष्ठ चिकित्सक होता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो निदान के बारे में हमने बात की है, अब हम देखें कि इसके पूर्व रूप क्या हो सकते हैं। तो व्याधि के हम व्याधि को पूर्व रूप का महत्व क्या है, कि पूर्व रूप में व्याधि जो बड़ी ही अल्प अवस्था में होती है, तो यदि चिकित्सक इसको पहचान जाए, पूर्व रूप में ही व्याधि को पहचान जाए, तो व्याधि सुख साध्य व्याधि होती है, तो उसको चिकित्सा करना भी एक सरल कार्य रह जाता है। तो पूर्व रूप में हम देखें, आचार्य ने बताया है पांडु रोग के पूर्व रूप, प्रोडोर्मल साइन बोलते हैं इनको, प्रोडोर्मल साइन एंड सिम्टम। जिस प्रकार से वर्षा के पूर्व रूप मेघ हैं, इस प्रकार से हर व्याधि के पूर्व रूप होते हैं। तो एक अच्छे चिकित्सक को सदैव ध्यान रखना चाहिए पूर्व रूपों का, क्योंकि वही एक समय है जिसमें हम व्याधि को सुख साध्य तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो पांडु रोग के पूर्व रूप में त्वचा में त्वक स्फोटन एवं रुक्षता, त्वचा में क्रेकलिंग होना, क्रेक होना, रुक्षता होना, बार बार स्टीम या थूकना, स्पिटिंग, पीत और मल और मूत्र का वर्ण अधिक पीला हो जाना, सामान्य से अधिक मल मूत्र का वर्ण पीला होना, सामान्य से अधिक पीला होना, एवं साथ में अग्निमान, ये पांडु रोग के पूर्व रूप है। और साथ में आचार्य ने कहा हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदाभाव श्रमस्तता, अर्थात पल्पिटेशन होना, पल्स रेट बढ़ जाना, जो सामान्य पल्स रेट हमारी 72 से 80 85 तक 90 तक एक सामान्य हो सकती है व्यक्ति विशेष के आधार पर, वो पल्स रेट पांडु में अधिक बढ़ती है, 100 भी हो सकती है, उससे भी अधिक हो सकती है। फिर साथ में हृदय स्पंदनम रोक्ष, रूखापन शरीर में आना, स्वेदाभाव पसीना कम आना, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो पसीना व्यक्ति में कम आता है, स्वेद की उत्पत्ति कम होगी, क्योंकि स्वेद मेद का मल है, और जब मेद की ही पांडु में मेद की भी कमी आती है, पांडु में दुष्य एक मेद भी दुष्य है, तो स्वेद की भी उत्पत्ति कम होती है। और श्रमस्तता, थोड़ा सा पेशेंट चलेगा, थोड़ा सीडीज चलेगा, थोड़ा एग्जेशन करेगा, उसका डिस्निया या सांस फूलेगा उस पेशेंट का। ये कुछ पूर्व रूप हैं जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कालांतर में या आगे जा करके
इस व्यक्ति को पांडु होने वाला है और हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो समय सबसे गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन पीरियड में यदि हम चिकित्सा करते हैं तो व्याधि बहुत सुख साध्य और बहुत ही सूक्ष्म में या बहुत ही आसानी से व्याधि को ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं रूप पर। पांडु रोग के रूप, पांडु रोग के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचाने कि इस व्यक्ति को पांडु रोग हो गया है। पांडु रोग, तो पांडु रोग के रूप में हम देखें तो व्यक्ति का पहले हम जैसे बात की कि त्वचा में पैलनेस आना, जैसा कि इसका व्याधि का लक्षण ही है। पांडु नाम से स्पष्ट है कि आप स्किन पर ही आप पहचान सकते हैं, स्किन को देख करके, स्किन विशेष रूप से उसकी पैल यानी सफ़ेद स्किन, सफ़ेद हो रही है धीरे धीरे ग्रेजुअली, और उस व्यक्ति का उसको भूख कम लग रही है, उसको नींद कम आ रही है, उसको पल्पिटेशन हार्ट की गति बढ़ गई है, उसको साथ में मूत्र और मल में पीलापन अधिक बढ़ सकता है, और साथ में उसको नींद कम आती है, और साथ में शरीर में दुर्बलता महसूस करना, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने पर उसको थकान हो जाना, थोड़ा सा चलने पर थकान होना है, साथ में उसको और नींद का कमी आना, विशेष करके स्थिरशील होना। इस तरह से हर एक सिस्टम के पांडु में लक्षण मिलते हैं। आप रसवस रोतस के लक्षण भी मिलेंगे और रक्तवस रोतस के दृष्टि के लक्षण भी मिलेंगे। तो पांडु में आपको हमें सब तरह से सतर्क होना चाहिए कि कभी कभी तो पांडु रोग के लक्षण ऐसे लगते हैं कि अन्य कोई व्याधि के लक्षण हैं। तो पांडु रोग को पहचानने के लिए चिकित्सक को विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा और उसके लक्षणों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये रूप के आधार पर साइन और सिम्टम, कुछ कुछ उसके साइन भी हैं और कुछ सिम्टम भी हैं। साइन जब एनीमिया का परिप्रेक्ष्य में हम जब पढ़ते हैं तो साइन बहुत से साइन मिलते हैं, तो वो साइन का जब एनीमिया इसका मॉडर्न आस्पेक्ट को देखेंगे तो वह साइन भी मिलेंगे। आयुर्वेद में सब्जेक्ट पर सब्जेक्टिव नॉलेज या सिम्टम और सिम्टोमेटोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया है। तो सिम्टोमेटोलॉजी में हमने पहले देखा कि ये लक्षण रोगी में देखने को मिलते हैं। तो अब इसके बाद में रूप को देखने के लक्षण के देखने के बाद में अब हम उसके संप्राप्ति पर विचार करें, क्योंकि संप्राप्ति विघटन में भी चिकित्सा, आयुर्वेद में तो ये कहा है कि संप्राप्ति को डिकम्पोज कर दीजिए आप, कि संप्राप्ति जिस प्रकार से बनी है उसका विघटन कर दीजिए, वो व्याधि की चिकित्सा उसी में निहित है। तो संप्राप्ति विघटन करने के लिए हमें संप्राप्ति प्रक्रियाओं को जानना भी आवश्यक है कि संप्राप्ति आखिर निर्माण कैसे, संप्राप्ति निर्माण हुई। तो हमने पहले बात की कि ये पांडु रोग पित्त प्रधान व्याधि है। दोषा पित्त प्रधान अस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु, दोषा पित्त प्रधान दोष, यानी यद्यपि त्रिदोषज पांडु है लेकिन इसमें विशेष रूप से पित्त दोष की दृष्टि होती है। तेसा दोषा पित्त प्रधान अस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु, तो धातुओं में जब जाएगा तो मुख्य रूप से इसकी संप्राप्ति प्रक्रिया में हम बात करें, पांडु रोग की संप्राप्ति दोष इसमें देखें तो त्रिदोष है और विशेष करके त्रिदोष में पित्त, और दुष्य की बात करें हम तो दुष्य में त्वक रक्त मांस और कालांतर में सभी धातुएं। स्रोतस की बात करें हम तो रस्व है और रक्त है। स्रोत दृष्टि प्रकार की बात करें संग और अति प्रवण, पांडु रोग को यद्यपि अपतर्पणज व्याधि के रूप में गणना की है लेकिन पांडु की संतर्पणज व्याधि है, कफज व्याधियों के रूप में भी पांडु का वर्णन किया है। ऐसे अनेक कफज रोग आयुर्वेद में देखने को मिलते हैं जिनके उपद्रव स्वरूप में पांडु रोग देखने को मिलता है। तो संग कफात्मक पांडु में संग की विशेष दृष्टि है। अति प्रवृत्ति, मान लीजिए पांडु बहुत से उपद्रव के रूप में पांडु देखने को मिलता है और रक्त का नाश होना पांडु में मुख्य कारण, पांडु का ये रक्त का नाश होना और रस धातु का निर्माण यथावत नहीं होना, वो हम आगे इस पर विचार करेंगे।
तो और व्याधि कैसे, व्याधि चिरकारी व्याधि भी ये है। तो दो दृष्टि स्रोतस अधिष्ठान हमारा रस्व है, स्रोतस की व्याधि है ये, स्रोतस रस्व है, रस्व स्रोतस के मूल है यकृत और प्रिया। तो अब हमें पांडु के बारे में दो तरह से विचारणा करनी पड़ेगी। जब हम संप्राप्ति प्रक्रिया को देख रहे हैं एक तो संप्राप्ति ये है कि पांडु रोग के अंदर क्रमशः रक्त धातु अग्निमान्द्य पूर्वक पांडु हो, अग्निमान्द्य पूर्वक पांडु, और एक पांडु है दोष पित्त प्रधान दोष, पित्त प्रधान दोष दस धमनियों के द्वारा या ऊर्ध्व अध: तिर्यक धमनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में विक्षिप्त हो और फिर त्वचा और मांस के मध्य में आश्रित होकर के शरीर का वर्ण पीताप कर दे। तो ये सब दस धमनियों के द्वारा प्रक्षिप्त व्यान वायु का इसमें विशेष कार्यभूक्त है। दस धमनिया और व्यान वायु के साथ व्यान वायु के द्वारा ही संपूर्ण शरीर में प्रक्षिपित हो और फिर ये पांडु रोग कर दे। एक संप्राप्ति ये है कि व्यक्ति क्षार अम्ल लवण आदि पित्तवर्धक आहार विहारों का अधिक सेवन करे, उससे अग्निमान्द हो, अग्निमान्द से जठराग्नि की दृष्टि, अग्निबान्ध, अग्निमान्द से रसाग्निमंदता, रस धातु का निर्माण जो होगा अग्निमान्द के द्वारा उस रस धातु में रक्त पोषक भावों का अभाव होगा, क्योंकि रस वो धातु है जिसमें सभी धातुओं के अन्नरस की बात कर रहे हैं हम, अन्नरस वो रस है इसमें सभी धातुओं के पोषकांश विद्यमान है। तो अन्नरस से रस का निर्माण, जब अन्नरस यथावत नहीं है, अन्नरस का निर्माण यथावत नहीं हुआ है अग्निमान्द के कारण से, तो उससे होने वाला अन्नरस जो बनेगा वो भी क्वालिटी वाला नहीं होगा, उत्कृष्ट गुण वाला नहीं होगा, सभी धातुओं के पोषकांश उसमें विद्यमान हो ये आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार का जो अन्नरस है वो जब रसाग्नि के द्वारा कार्यशील होगा तो जो अन्न रस धातु की उत्पत्ति होगी, जो प्रथम धातु जिसको कहा है पिंडन कर्म, यानी वो सभी धातुओं का पोषण प्रदान करने वाला है रस धातु। तो इस ये रस धातु जब उस रस धातु पर जब रक्ताग्नि की क्रिया होगी तो रक्ताग्नि की क्रिया होगी तो अग्रिम धातुओं का निर्माण यथावत नहीं होगा, या फिर अन्नरस पर रसाग्नि की जो क्रिया होगी, ये देखें अन्नरस पर रसाग्नि की क्रिया, रसाग्नि क्रिया जब अन्नरस पर रसाग्नि की क्रिया जब होगी तो उससे जब अन्नरस प्रॉपर नहीं है, यथावत नहीं निर्माण हुआ है और अग्नि की दृष्टि चूंकि पहले चली ही आ रही है, तो अग्नि की दृष्टि से रसाग्नि पर यथावत क्रियाशील नहीं होगा, तो उससे प्रसाद धातु या पोष्य धातु, प्रसाद या पोष्य धातु रस का निर्माण, रस धातु का निर्माण यथावत नहीं होगा और अग्रिम धातु रक्त धातु के पोषकांश का निर्माण भी यथावत नहीं होगा। अग्रिम धातु रक्त धातु पोषकांश का निर्माण भी नहीं होगा और परिणाम स्वरूप रस धातु का जो मल कफ है उसकी अधिक निर्मित होगी। रस धातु मल कफ, कफ और क्लेद का निर्माण अधिक होगा। तो ये रसाग्नि क्रिया यथावत तीन कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। प्रथम तो ये है कि प्रसाद या पोष्य धातु रस धातु की उत्पत्ति निर्माण यथावत नहीं हुआ, दूसरा उसका अग्रिम जो रक्त धातु पोषकांश थे उनका निर्माण यथावत नहीं हुआ, तीसरा परिणाम आया कि जो रस धातु के मल हैं कफ का निर्माण अधिक हुआ और क्लेद का निर्माण भी अधिक हुआ। इस प्रकार से दोनों संप्राप्ति प्रक्रियाएं चलेंगी और अल्टीमेटली परिणाम इसका पांडु रोग के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये एक संप्राप्ति प्रक्रिया को समझना है कि हमें इसका अग्निमान्द पूर्वक संप्राप्ति है या फिर
200 का पित्त प्रधान संप्राप्ति है, अग्निमांड पूर्वक संप्राप्ति से यदि पांडु हुआ है तो हमें अग्निमांड को पहले ठीक करना है, जठाग्नि को ठीक करना है, धात्वग्नियों को ठीक करना है और उस अन्नरस से जो रस का निर्माण को ठीक करना है, रस से रसाग्नि की क्रियाओं को ठीक करना है, रसाग्नि की क्रियाएं ठीक होंगी तो रक्त रक्त धातु कोशकांश का निर्माण यथावत होगा तो पांडुरोग उस स्तर पर हम कार्य करेंगे तो पांडुरोग ठीक होगा। वैसे भी रसरस और तस का मूल यकृत और प्लीहा बता है, तो यकृत और प्लीहा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है तो हमें उनका मूल कोट भी ठीक करना है, यकृत और प्लीहा को हमें ठीक करना होगा। क्यों? क्योंकि पांडुरसज व्याधि है, यकृत के यकृत को ठीक करने वाली औषधियाँ भी हमें दे सकते हैं साथ में, जैसे हम पुनर्नवा मंडूर देते हैं, पुनर्नवा देते हैं या रक्त धातु वर्धन का औषधियाँ भी देते हैं और यकृत को यकृत के कार्य को बढ़ाने वाली औषधियाँ जो कि स्रोतोमूल है तो स्रोतोमूल को भी हमें ठीक करना आवश्यक है इसमें। तो यह पित्त प्रधान संप्राप्ति है कि पित्त प्रधान दोष बढ़े दस धमनियों के द्वारा विक्षिपित हुए शरीर में और त्वचा और मांस के मध्य आश्रित हुआ पित्त बढ़ा हुआ पित्त, तो यदि इस प्रकार की संप्राप्ति है तो हमें पित्त का कामलितु पित्त विरेचने ऐसा भी बताए, कामला रोग के संदर्भ में बताया यद्यपि, पर पांडु का कामला पांडु की उत्तरवर्ती अवस्था है अतः हमें पित्त दोष को ध्यान रखते हुए यहाँ भी जो आचार्यों ने चिकित्सा सूत्र बताए वो पित्त दोष को शमन के बताए हैं। ठीक है, हम चिकित्सा संदर्भ में हम विशेष बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विषय प्रतिपाद्य विषय पांडु रोग के निदान संप्राप्ति पर विवेचन है। फिर हम संप्राप्ति के बाद हम देखें तो फिर हम देखते हैं कि इसके उपद्रव, तो पांडु रोग के उपद्रव हमने पहले बात किया कि पांडु एक ऐसी व्याधि है जिसमें क्रमशः सभी धातुओं का क्षय होता है, ओज का भी क्षय होता है, क्रमशः सभी धातुएं धीरे 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 डिप्रेशन होंगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज के गुणों का भी नाश होगा। तो हमें ओज इन संप्राप्ति प्रक्रियाओं को देख के बाद में हमें विचार करना है कि भाई असाध्य लक्षण पांडु के हैं या उपद्रव लक्षण पांडु के रोग में उत्पन्न हो गए हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वहाँ धीरे 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 व्यक्ति का और डिप्रेशन या और अधिक क्षय देखने को मिलेगा, प्लीहा की वृद्धि हो जाएगी, यकृत की वृद्धि हो जाएगी, रोगी को बिल्कुल भूख लगना खत्म हो जाएगी या उसको बिल्कुल अथानर जिसे कहते हैं अग्नि मान दे और धीरे धीरे व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने में और अक्षम हो जाएगा और कालांतर में चिकित्सा भाव में और गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अतः हमें साध्य असाध्यता का विचार भी करना है और पांडु उपद्रव हो चुके हैं तो हमें उपद्रव को ठीक करने के लिए मूल व्याधि को ठीक करना होगा। इस प्रकार से हमें पांडु रोग का समग्र अध्ययन करना है जिससे कि हम उस व्याधि को समझ सकें और साथ में हम एक बेहतर चिकित्सा कर सकें और निदान संप्राप्ति को समझे बिना ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि निदान परिवर्धन ही चिकित्सा, निदान को निदान पंचक का भी ज्ञान हमें इस व्याधि के परिप्रेक्ष्य में रखना है और इटियोलॉजिकल फैक्टरों को भी हमें देखना है क्योंकि साथ में निदान परिवर्धन हम नहीं करेंगे तो हम व्याधि के कालांतर व्याधि की जो अग्रिम अग्रिम अवस्थाएं आने वाली हैं उनको भी हम नहीं रोक पाएंगे और साथ में आतुरिक यदि व्याधि हो गई है तो हम व्याधि की निवृत्ति भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमें पांडु रोग का हमें हमारा विद्यार्थियों सबका कर्तव्य है, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम पांडु रोग के बारे में पूर्ण ज्ञान रखें जिससे कि हम एक बहुत जनमानस में जो बड़ी प्रबल रूप से व्याधि फैली हुई है इस व्याधि को हम करेक्ट डायग्नोसिस कर सकें, बेहतर चिकित्सा कर सकें। तो ये हम इस संदर्भ में हमारे एक छोटा सा प्रयास है निदान संप्राप्ति पर विवेचन पांडु का, जिससे कि हम पांडु रोग की संप्राप्ति विघटन एक बेहतर तरीके से कर सकें और यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।